मेरा नाम है डॉक्टर ईशान शाह, मैं सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन हूँ, सुषमा शाह हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैंक्रियास हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसका काम शरीर में दो तरीके से होता है। एक, वो शरीर में पाचक रस प्रोवाइड करता है जिससे हम जो खाना खाते हैं वो पचन होता है, और दूसरा वो शरीर में एक इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिससे शरीर का ग्लूकोज का बैलेंस मेंटेन होता है। पैंक्रियास का कैंसर इंडिया में अब बढ़ता जा रहा है। पहले इंसिडेंस मतलब कि पैंक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस इंडिया में बहुत ही कम थे। आज के लास्ट ईयर के डेटा के मुजब अब वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ के हर लाख पॉपुलेशन में 5 तक पहुंचा है। मतलब कि 5 आदमी हर लाख पॉपुलेशन में जो पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर को आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कि लक्षण मुख्यतः पेट में दर्द होना, जॉन्डिस होना जिसको हम कमला की तरह भी जानते हैं, जहरी कमलों या तो पीलिया की तरह जानते हैं, वॉमिटिंग होना, वजन कम हो जाना, और कई बार उससे होते हुए गांठ से होते हुए कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास जनरली आते हैं तब उनकी दो इन्वेस्टिगेशन करने बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है सीटी स्कैन जो हमें गांठ के बारे में सारा कुछ जानकारी देता है, वो कहाँ पे है, कितनी साइज की है, और आसपास में नलियों के मतलब कि खून की नली के साथ उसका क्या रिलेशन है। और दूसरा सिलेक्टेड केसेस में हम एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी भी करते हैं। ज्यादातर केसों में ट्रीटमेंट जब सीटी स्कैन बताता है कि ये गांठ निकाल सकते हैं मतलब कि रिसेक्टेबल फेज में हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उन केसेस में विपल्स नाम का एक ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन पैंक्रियास पे होने वाला कोई भी ऑपरेशन जटिल माना जाता है और उसको करने की स्किल बहुत ही कम सर्जन्स के पास होती है, और वो ऑर्गन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन की तरह माना जाता है। इस ऑपरेशन में करीबन 5 से 7 घंटे लगते हैं। इस ऑपरेशन के दरमियान काफी सारे पार्ट को काटा जाता है और सारे जगह पे नया रास्ता बनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या उस चीजों में काटते हैं और उनके लिए क्या क्या रास्ता नया बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अन्न नली है जहां से खाना जाता है जठर में, और यहां से घूमते हुए वो नीचे जाके यहां से बाहर आ जाता है। अब ये स्वादुपिंड है जो अपना पाचक रस इस नली में डालता है, यहां पे अपने कैंसर की गांठ है। इस ऑपरेशन के दरमियान जठर का लास्ट वाला पार्ट, पैंक्रियास का पार्ट और छोटी सी छोटी आंत सारी ही कट जाती है। उसके बाद में नई कटी हुई छोटी आंत को ऊपर ले जाना पड़ता है और उसको पैंक्रियास के साथ, पित्त की नली के साथ और खाने के रास्ते के साथ ऐसा 3 जगह पे नए नए जुड़ान बनाना पड़ता है। यह ऑपरेशन बहुत ही जटिल माना जाता है और इस ऑपरेशन को मैंने जैसे पहले भी बताया करने में कई कई बार 9 घंटे या 10 घंटे भी लगते हैं, पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही एक्सलेंट है। पुराने जमाने में जब इस ऑपरेशन को कैसे किया जाता था और उसके रिजल्ट्स बहुत ही खराब थे, अब रिसेंटली लास्ट 10 इयर्स में इस ऑपरेशन की वजह से पेशेंट्स का आउटकम बहुत ही सुधरा है। ये ऑपरेशन के बाद में जो बायोप्सी आती है, जो ये निकाली हुई चीज है जिसको पैथोलॉजी में भेजते हैं और वो कौन सा स्टेज है उसके बेसिस पे आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे कि स्टेज 2 से आगे वाले कैंसर में आगे कीमोथेरेपी के सेशंस भी देने की जरूरत पड़ सकती है जिसमें 4 से 6 साइकिल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर पैंक्रियाटिक कैंसर 100% ट्रीटेबल कॉज है और उसको अब हम इतना जटिल ऑपरेशन करने के बावजूद अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जनरली हमारी मान्यता ये होती है कि जो ऑपरेशन ज्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, पर लास्ट 10 इयर्स में जैसे मैंने आपको बताया विपल्स ऑपरेशन मतलब कि पैंक्रियास के ऑपरेशंस की वजह से पेशेंट्स का आउटकम बहुत ही सुधरा है और अभी ये ऑपरेशन के बाद ज्यादातर मरीज 5 ईयर के तक के सर्वाइवल जो रेशियो है
उसमें अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।